छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, कई तरह का उत्साह लगातार देखा जा रहा है, किस तरह का उत्साह है और विशेष रूप से किन प्लानिंग के साथ में कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में काम करने वाली है? मेरे साथ अलका लांबा जी हैं। अलका जी, पहले तो छत्तीसगढ़ की धरा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्साह लगातार दिख रहा है, 2024 बड़ा एग्जाम रहेगा, 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पहले अधिवेशन के बारे में बताइए किस तरह की प्लानिंग के साथ हो रहा है और कितना उत्साह दिख रहा है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, 85वां इसका महाधिवेशन हो रहा है। हमारे 15,000 देश भर से प्रदेश डेलीगेट आए हुए हैं। इन्हीं प्रदेश डेलीगेट्स ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, वोट करके चुना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आज महाअधिवेशन में वही मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में थे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुई दो मकसद से, भारत को जोड़ना है और देश के ज्वलंत मुद्दे जो हाशिए पे चले गए उन्हें केंद्र में लाकर, चर्चा में लाकर उनका हल देना है। यात्रा दोनों मकसद में कामयाब रही। उसके बाद संसद जब सत्र हुआ तो उम्मीद की कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोगों के, किसान का, बेरोजगार युवाओं का, महंगाई की मार पड़ रही महिलाओं का, देश की सरहदों के सवाल उठेंगे और जवाब मिलेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, मजाक उड़ाया गया। राहुल गांधी जी का सर नेम नेहरू क्यों नहीं है, गांधी क्यों है, अडानी पर जवाब नहीं दिया गया। आज ये मंच अब उन्हीं मुद्दों को जो भारत जोड़ो यात्रा में उठे, किसान से लेकर जवान से लेकर सरहद का, उस मुद्दे को हम यहाँ ताकत दे रहे हैं। ताकत देने के पीछे हुआ कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, युवा देश है, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये सवाल उठा संगठन में। संगठन में खुशी है, पहला प्रस्ताव राजनीतिक यही आया संगठन की तरफ से कि 50 साल के कम उम्र के लोगों को संगठन में 50% भागीदारी दी जाएगी। तो एक जोश है 50 से कम और महिलाओं में कि हमें इसमें संगठन में जब जगह मिलेगी तो स्वाभाविक है जो आधी आबादी बाहर की महिलाओं की, उनकी आवाज को यहाँ ताकत मिलेगी। जो बेरोजगार युवा संघर्ष कर रहा है, जब यहाँ पर युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, स्वाभाविक है उनकी आवाज उठेगी। आज हम लोग 2024 का रोड मैप क्या हो, लड़ाई क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे, चर्चा क्या होगी, कैसे बढ़ना है, उसको लेकर देश की पूरी कांग्रेस आज यहाँ बैठ के 3 दिन से चर्चा कर रही है। स्वाभाविक है यहीं से, इसी मंथन से आगे का रास्ता कांग्रेस और देश के समस्याओं का निकल कर आएगा। कई नियम लगातार बदलाव हुए हैं, जैसे थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा, पत्नी का नाम, माँ का नाम, नवाचार लगातार प्रयोग करती नजर आ रही कांग्रेस पार्टी। किस तरह की प्लानिंग इसके पीछे, किस तरह की सोच है इसके पीछे? आप इन दोनों प्रस्ताव से सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो उसकी बात की है थर्ड जेंडर की, उनकी आबादी कितनी है, नाम मात्र है, पर फिर भी उनको भी संवैधानिक एक हक अधिकार मिला हुआ है, वो वंचित ना रहे, उसके भी अधिकारों को कांग्रेस के मन से एक पहचान और एक आवाज दी गई है कि उन्हें भी हम शामिल करेंगे इसमें। तो बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस कहते हैं ना पंक्ति में खड़े, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है और उस तक उसका हक, उसका अधिकार जो संविधान में है, लोकतंत्र में, वो उस तक पहुंचाना चाहती है। केंद्र की सरकार लगातार ध्रुवीकरण कर रही है। पंजाब में इस समय क्या हो रहा है, देश देख रहा है कि आतंकवाद, सरदार बयान सिंह, इंदिरा गांधी जी की शहादत देकर पंजाब में जो आग थी वो शांत हुई, आज वो आग दोबारा भड़क रही है, बहुत कुर्बानियां दी है, आज खालिस्तान की मांग उठ रही है, यहाँ उठेगी तो कश्मीर भी उठेगा, आप सोच सकते हैं। तो देश एक बार फिर आग में झोंकने का काम, देश की सरकार मुख दर्शक बन रही है, आर्थिक आतंकवाद कहे या सांप्रदायिक आतंकवाद कहे, जवाब नहीं है महंगाई बेरोजगारी पर, किसानों के ऊपर, सरहद पे जो चुनौतियां मिल रही हैं, जवाब नहीं, इसलिए भटकाने के लिए ये सब खेल हो रहा है। आखिरी सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि बड़ा उत्साह नजर आया पूरे देश में, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की प्लानिंग कांग्रेस पार्टी करेगी और जो यूथ है विशेष रूप से, किस तरह मैसेज यहां से कन्वे करेंगे आप? वही रास्ता राहुल गांधी जी ने दिखाया, कैसे पहुंचेंगे, पैदल चले 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, गली सड़कों में जब चल रहे थे तो वहां के लोग आकर मिले, कई आंखों में आंसू लिए, किसान मिला देश का अन्नदाता, कई सरहद पे खड़ा जवान भी मिला और कश्मीरी पंडित भी मिले, है ना, बेरोजगार युवा मिला, महिलाएं मिली, बलात्कार शोषण का जो शिकार बहने हुई है बेटियां, न्याय नहीं है अदालतों में, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, सब मिले, यही एक तरीका है, रास्ता राहुल गांधी जी ने रास्ता हम सबको दिखा दिया है, अब हाथ से हाथ जोड़ो, वही उसी की एक अगली कड़ी है और यहाँ अभी 2 दिन में बहुत कुछ तय होने वाला है, जो यहाँ से तय होगा उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकत के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल, अलका लांबा मानते हैं कि जिस तरह से 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, पूरी रणनीतियों के साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में काम करने वाली, और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला उसका व्यापक रूप से असर पूरे देश में दिखाई दिया है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरैना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।